हेलो, गुड इवनिंग। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स विद सतीश में। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग जो पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है परसेंटेज, प्रतिशत। बेसिक टॉपिक है, एकदम बेसिक है, छोटा सा। हम लोग आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में कि परसेंटेज होता क्या है और कितना ये मतलब इसको मतलब इसका जो छोटा सा बेसिक लेवल है वो क्या है। एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन, कुछ नहीं। इसको क्या है कि हम लोग होता क्या है परसेंटेज। परसेंटेज सिर्फ एक कहता है कि 100 के रेस्पेक्ट में चेंज, बस इतना सा है। कोई भी नंबर हो उसका जो 100 के रेस्पेक्ट में चेंज आता है वो ही परसेंटेज कहलाता है। या तो इसको हम जैसे हम लिखते थे, कोई नंबर एन है उसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो एक तरह से ये परसेंटेज बनेगा। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं एन परसेंटेज, बस। और इतनी सी डेफिनेशन है, सिंपल और सरल डेफिनेशन एकदम। और जैसे ही हम लोग इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि जब तक वो दोनों आपस में कट जाएं तब तक हम उसको लिखते हैं, तो वो एक रेशियो कहलाता है। उसे हम कहते हैं रेशियो, अनुपात। और एक और इसके आगे जब हम जाते हैं तो छोटा सा है, अगर हम इसी को 1 के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कहलाता है फ्रैक्शन, यानी भिन्न। हम इन तीनों के बारे में अलग-अलग पढ़ेंगे, अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रेशियो और फ्रैक्शन के बारे में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, मतलब एग्जांपल लेके समझाता हूँ एक्चुअली होता कैसा है ये। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि देखिए, परसेंटेज दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है और फ्रैक्शन भिन्न, अनुपात और प्रतिशत। हम लोग सिर्फ बेसिक जो है परसेंटेज का वो समझ रहे हैं और कुछ नहीं, एकदम बेसिक लेवल। मान लीजिए दिया गया है, परसेंटेज गिवन है, मतलब 40% है। जब हम लोगों से पूछा जाएगा कि इसको अनुपात में क्या कैसे लिखेंगे, रेशियो में क्या कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखा जाएगा 100 के रेस्पेक्ट में। मतलब ये अनुपात का है, ये जो है चिन्ह, ये अनुपात का है। और हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, जब हम भी इसको शो करेंगे अनुपात में, मतलब इसको लिखना होगा तो हम लोग ऐसे शो करेंगे। और जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम मतलब फ्रैक्शन में, मतलब जब तक ये दोनों आपस में कट ना, मतलब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो में कट ना जाए पूरी तरह से। जैसे कि ये देखिए, 40/100, हम लोग इसे 2 से काटेंगे और ये 5, तो ये हमारा सिंपलेस्ट जो मतलब रेशियो आएगा, इसे ही हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ये हमारा भिन्न हो गया 2/5। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी। एक्चुअल में जैसे हम लोग मान लीजिए 50% ले लेते हैं, ये एकदम तो बेसिक सा एग्जांपल है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। 50 को अगर रेशियो में लिखेंगे, ये हम लोगों ने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, और अगर हमसे पूछे भिन्न में कैसे लिखना है इसको, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, एकदम छोटे से लेवल में। हम लोग इसको 0 से 0 और ये 5 से 10 कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। ये इसको भिन्न में कन्वर्ट, कभी कभी पूछता है कि सीधा अगर इसको भिन्न में कैसे लिखा जाए, तो वो ऐसा ऐसे कन्वर्ट करना है इसको,
सिंपलेस्ट। अब आगे एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक रेशियो देता है हमें 16 से 2/3%। अभी 16 से 2% दिखता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भी क्या है कैसा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये एक रेशियो होता है 1/6। ये भिन्न में दिया हुआ है, हमें जो गिवन में दे रखा है वो भिन्न के अंदर दे रखा है। और इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसके अलावा होता है एक्चुअल में 50/3 कहते हैं इसको, 50/3 होता है ये। जैसा कि आप इसे कन्वर्ट करके देखें, 16 थी 48 और 2 50, 50/3। तो जब इसे रेशियो में लिखा जाएगा तो 50/3:100, ये इसको अनुपात में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा कुछ नहीं, हम लोग ये वाला रेशियो निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्म है और कुछ नहीं। अगर 1 से काटें 1/6, हम लोगों ने निकाल लिया 1/6, जो मैंने बताया था आपको कि 1/6 को ही 16 से 2/3% कहते हैं और 16 से 2/3 को ही 1/6 कहते हैं। मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रेशियो है वो वाले भी वो आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो मतलब पर्टिकुलर एग्जाम में आते रहते हैं छोटे छोटे जो मतलब परसेंटेज हैं और मतलब बेसिकली जो पूछे जाते हैं ना नॉर्मली, वो मैं आपको 10-12 है वो मैं समझा दूंगा, बताता हूँ एक्चुअल में क्या है वो।